ये हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफी दो बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे, उसके बाद वो जा रहे थे। ये बिहार जा रहे थे, बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे। और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले भी पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, 12:15 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ। और बाकी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, क्रेन मंगा करके गाड़ी को हटाया जा रहा है और उसके बाद बाकी कार्रवाई की जा रही है। ये मौके पे जो बताया जा रहा है कि लेबर टाइप के लोग थे, हाँ ये पंजाब में हरियाणा में काम करने गए थे, जो किसानी का काम करते हैं बिहार के मजदूर के रूप में थे, और वो लोग गए थे उसके बाद वहाँ से लौट के आ रहे थे। तो दो एक बस में कुछ लोग बैठे थे, दूसरे बस में पलवल में कुछ लोग बैठे थे, तो दोनों बसों के यात्रियों को एक ही बस में कर दिया गया था और वहाँ से ये लोग जा रहे थे अपने बिहार घरों को जा रहे थे। कितने लोग इस बस में सवार थे? लगभग 100 के करीब अभी बताए जा रहे हैं, बाकी अभी वेरीफाई किए जा रहे थे, तो 300 के से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें बैठे हुए थे लोग, और उसमें काफ़ी लोग। आज रात्रि में जनपद बाराबंकी रामसने घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के, ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे, कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा, तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहां पर मौजूद है, यहां पर 19 लोग ये उपचाराधीन है, और यहां पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी, तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है।